क्वेश्चन वगैरह नदी पहाड़ या बुक से कोई आपको याद रहा हो? ये नहीं था, ये नहीं था मोस्टली करंट के जो मिरर वगैरह से कोई क्वेश्चन था। SSC MTS का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है और जानते हैं कैसा क्या लेवल रहा। GS GK में और रीजनिंग में इंग्लिश में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में क्वेश्चन आ रहा है। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग था। GS और इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल थे, बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन कोई भी नहीं था, कोई भी क्वेश्चन आउट वगैरह सारे क्वेश्चन एकदम नॉर्मल, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल के। इजी टू मॉडरेट लेवल। अच्छा, एरर्स वगैरह क्वेश्चन कितना था? एरर्स के क्वेश्चन काफी थे, एरर्स के क्वेश्चन 3-4 थे, एरर्स के वो कैब के ज्यादा क्वेश्चन। और नदी पेड़ पहाड़ के भी थे, कोई डांस वगैरह पूछा गया था? आर्टिकल हाँ, डांस के लिए था। अच्छा, कौन सा आया था? बेसिकली आया था उत्तर प्रदेश का आया था, पूछा था हाँ, एक पूछा था कि विनोबा भावे कहाँ, मतलब कहाँ से भावे कहाँ से बिलोंग करती है, तो महाराष्ट्र का था, तो बेसिकली मैंने महाराष्ट्र को टिक किया। क्वेश्चन वगैरह लाइन पे लग जाएगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा, इंग्लिश साइंस से कोई क्वेश्चन था? कोई साइंस वगैरह बीमारी कोई क्वेश्चन नहीं, साइंस से बेसिकली एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, साइंस से नहीं था। दिवस से वगैरह किसे? दिवस से, दिवस दिवस भी नहीं था, दिवस नहीं, दिवस भी नहीं था, बांध एंड डैम वो भी नहीं था। अच्छा, और इंग्लिश काफ़ी अच्छी आई थी, और जीके जीएस भी उतना अच्छा आया था, जिस हिसाब से मतलब पूछे जाते क्वेश्चन काफ़ी डिफरेंट था लेकिन अच्छा था। टाइम कितना किया? मैं तो मतलब जीके जीएस बोले तो 20 के ऊपर से कोई क्वेश्चन वगैरह था। प्रीवियस ईयर से ज़्यादा तो मोस्टली एक या दो क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन? करंट का सुबह पूछा गया था, विराट कोहली ने इस नहीं, ये नहीं था, ये नहीं क्वेश्चन वगैरह। मोस्टली करंट के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 2022 या 23 के पूछे गए, 22 और 23 का। हाँ, 22 या 23 का। क्लोज टेस्ट थोड़ा अच्छे लेवल का था, क्लोज टेस्ट थोड़ा अच्छे लेवल का, अच्छे लेवल का क्लोज टेस्ट था। ईडीएम वगैरह फ्रेजेस, हाँ ईडीएम फ्रेज भी अच्छे लेवल के थे, सीरियल लेवल के थे। आपने कितना अटेम किया टोटल? पूरा 100% किया है। कैसा हुआ भैया पेपर आपका? बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। मैथ्स वगैरह कैसा आ रहा? मैथ और रीजनिंग एकदम ईजी था, मैथ बिल्कुल ईजी, और जो रीजनिंग था वो था, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग से जो पूछा गया था काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, वो तो क्वालिफाइंग मार के कोई दिक्कत नहीं, मेन चीज़ है जीएस। लेकिन दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब प्रिपरेशन काफ़ी हद तक इससे भी जज किया जाता है अपने आप को। अब ये नहीं है कि मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स है तो हम अटेंड ना करें। CHSL के जैसा पेपर का क्वेश्चन वगैरह हाँ था, अच्छा था। अभी कहाँ से तैयारी? फिलहाल मैंने तो सेल्फ स्टडी किया है, और मोस्टली गौरव सर की जो क्लास चलती है प्रॉपर जीके जीएस उसको अटेंड किया। इंग्लिश अब उनसे पढ़े थे मैं, क्या रानी मैम से? ना ना ना, इंग्लिश मैंने पढ़ा था संजीव ठाकुर सर से। संजीव ठाकुर हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। क्वेश्चन वगैरह बुकैब वगैरह तो पूरा पूरा मिलता ही मिलता है। बस तो मैंने यूट्यूब से फ्री ऑफ कास्ट में उनकी क्लासेस पढ़ी थी, और काफ़ी अच्छा प्रयास रहा, टेम रहा। कैसा हुआ ये पेपर आपका? नहीं दिया आपने? आपका भी ये कैसा रहा? बढ़िया था सर, बढ़िया रहा। इंग्लिश बहुत टाइम लग गया आपने एनालाइज करा रहे थे, इतना आसान होता है या नहीं आता? मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम लोग फर्जी पढ़ते हैं, एक अकॉर्डिंग देखा जाए उनका कोई मतलब एग्जाम पर्पज से कोई मतलब नहीं होता, तो हम उतना ही पढ़े जो हमारे लिए एबल हो। मतलब पेपर के हिसाब से ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आ रहा है, जो पढ़ रहा है बच्चा वो पेपर हाँ, 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 वही वही आ रहा है। आपको भी ये कैसा लगा पेपर का? बहुत अच्छा लगा पेपर देने में, जो हमने हाई स्कूल में पढ़े काफ़ी क्वेश्चन हमें उससे हाई स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल। 9-10 की क्लास, 6-8 की क्लास NCERT से? जी जी जी। GS GK में? जी जी। और कोई स्टैटिक से कोई क्वेश्चन वगैरह था आपको, बुक ऑथर का, या आपको पॉलिटी हिस्ट्री कोई ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो नदी पहाड़ पर्वत से? जो हमारे पास सेट आया उससे हमें ये लगा कि मतलब जितना मैंने हाई स्कूल और मतलब 9th और 8th में पढ़ी उससे काफ़ी हमें क्वेश्चन मिले हैं, काफ़ी क्वेश्चन वगैरह मिला। जी जी जी। चलिए, क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ से आए? कानपुर से।